हेलो देयर, कैसे हैं आप सब। 19 साल पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था तुम बिन। इस फिल्म के निर्देशक थे अनुभव सिन्हा। ये फिल्म साल 2001 में रिलीज हुई थी। उस वक्त ये फिल्म एक बड़ी हिट फिल्म रही थी। फिल्म के म्यूजिक को बेहद ज्यादा पसंद किया गया था। इस फिल्म की हीरोइन को भी लोगों ने बेहद पसंद किया था। इनका नाम था संदली सिन्हा। फिल्म में हिमांशु मलिक, राकेश बापट और प्रियांशु चटर्जी भी अहम भूमिकाओं में थे। तुम बिन बेशक एक बड़ी फिल्म रही, लेकिन इस फिल्म की स्टार कास्ट को बड़ा नाम और रुतबा कभी नहीं मिला। संदली सिन्हा को आज भी लोग तुम बिन फिल्म की हीरोइन के तौर पर ही जानते हैं। तुम बिन के बाद संदली सिन्हा की कोई भी फिल्म हिट नहीं हो पाई। नतीजा ये रहा कि इस फिल्म की सारी स्टार कास्ट फिल्मों से पूरी तरह गायब हो गई और गुमनामी के अंधेरों में खो गई। आज हम याद कर रहे हैं तुम बिन की हीरोइन संदली सिन्हा को। 19 साल बाद अब संदली सिन्हा कैसी दिखती हैं और किस हाल में हैं? आज हम और आप यही जानेंगे। संदली सिन्हा का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था, लेकिन इनकी परवरिश दिल्ली में हुई। इनके पिता एक एयरफोर्स अधिकारी थे, लेकिन ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इनकी स्कूली पढ़ाई एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में हुई थी। इनकी माता एक डॉक्टर हैं। इस तरह डॉक्टर और पायलट के परिवार में पैदा हुई संदली सिन्हा भी बचपन में डॉक्टर ही बनना चाहती थी, लेकिन समय का पहिया कुछ ऐसा घुमा कि संदली सिन्हा को मॉडलिंग करने का मौका मिल गया और फिर 28 साल की उम्र में इन्हें अपनी पहली फिल्म तुम बिन भी मिल गई। संदली जब दिल्ली में मॉडलिंग कर रही थी तो करियर में आगे बढ़ने के लिए इन्होंने रुख किया मुंबई का। इनकी किस्मत तेज थी और इन्हें सोनू निगम के म्यूजिक वीडियो दीवाना में काम करने का मौका मिला। सोनू निगम के इस वीडियो का डायरेक्शन अनुभव सिन्हा ही कर रहे थे। अनुभव सिन्हा ने ही संदली को तुम बिन फिल्म के लिए अप्रोच किया था। तुम बिन बेहद सफल रही। इस फिल्म के बाद संदली को कई और फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला, लेकिन दोबारा कभी संदली सिन्हा तुम बिन जैसा करिश्मा नहीं कर पाई। इससे संदली सिन्हा की वैल्यू कम होने लगी और उन्हें फिल्मों में हीरोइन की जगह साइड रोल्स मिलने लगे। तुम बिन के बाद संदली ने लगभग 6 फिल्मों में काम किया था, लेकिन ये सभी फिल्में फ्लॉप रही। फिल्मों के लगातार फ्लॉप होने से संदली निराश हो गई और उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। इसके बाद संदली ने बिजनेसमैन किरण सालस्कर से शादी कर ली। शादी के लगभग 7-8 साल बाद संदली ने साउथ के फिल्मों से एक बार फिर से वापसी की, लेकिन इस बार भी उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। कुछ ही फिल्में करने के बाद संदली ने साउथ इंडस्ट्री से भी खुद को दूर कर लिया। हालांकि 2016 में आई फिल्म तुम बिन 2 में संदली ने गेस्ट अपीयरेंस जरूर किया था, लेकिन ये रोल बेहद छोटा था और बमुश्किल ही संदली को लोगों ने नोटिस किया था। अब संदली पूरी तरह से लाइट, कैमरा और एक्शन की इस दुनिया से दूर हो चुकी हैं। संदली के पति किरण सालस्कर हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट बिजनेस से जुड़े हैं। संदली अब अपने पति का हाथ बटाती हैं। संदली ने अपने पिता के फूड चेन बिजनेस को संभाला हुआ है और इसमें संदली काफी बढ़िया प्रदर्शन भी कर रही है।